प्यारी लग रही है चश्मा लगा के। गाइस यहां पर देख लो रील बन रही है। कह रही है वो कह रही है। कहां जा रहे हो आप? देवीकुंड पे जा रहे हैं घूमने। ओए ये भी चाहिए आपको? हाय गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आप सबको सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली सभी को, और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आपका रोहित सिंघानिया, और आज दिवाली है और सुबह सुबह हम गए थे देवन में हमारे पितर का स्थान बनवाए, तो वहां पर हम पूजा करने गए थे, पूजा करने जाते हैं। और बाकी अभी मैं जा रहा हूँ सलमान खान की मूवी टाइगर 3 देखने। अभी 3:30 बजे का शो है, मैं इसलिए फटाफट। और हम सब जाएंगे कल को, और सारे जाएंगे कल। अभी युषा रेडी नहीं है, युषा भी अभी जब तक मैं आऊंगा तब तक तो तुम रेडी हो जाओगे ना? पता नहीं देखो है ना किस टाइम आओ। और यहाँ पर थोड़ी सी लाइट्स वगैरह लगी हुई है। प्रिंस और मेरी सेम ड्रेस है, ऑलमोस्ट सेम ड्रेस है, कलर चेंज है, कलर चेंज है। अगले वाला, अगले वाला तू चलो भैया चलो, चलिए जल्दी नहीं हाँ जी मम्मी पूजा की तैयारी चल रही। हाँ भाई रेडी हो तुम? क्यों मतलब ये तो पहना दिया तुमने? वाओ क्या बात है, क्या हेयर स्टाइल है, क्या जैकेट है। तो ये दी ये तो उंदा थोने दा टाइम है आपका। मैंने इसलिए ये पहनाए थे इसको, मैंने कहा कि ये अच्छी लग रही थी इसमें। लेके प्रभु का नाम कुछ हल्का पहना दो, बुखार हो रहा था ना, डॉक्टर बोलती है ना कि हल्का कर कपड़े कर दो, इसलिए मैंने सोचा। आई मेरा बच्चे कितना सोना लग रहा है, ऐसा लग रहा है देखे प्रभु का नाम 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 नाम। देखो मम्मी पूरा सेटअप कर दिया यूट्यूब वीडियो देख के। सरल स्थिति, सरल विधि, सरल विधि। सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आज जो मेरी आउटफिट है कैसी लग रही है। हमारे प्रिंस भाई ने भी सेम डाली हुई है, अलग कलर है बस थोड़ा सा यार, ब्लैक बिल्कुल सेम है यार हमारी तो, है ना? तू भी उधर से लाया गया? तो गाइस ये पूरा का पूरा जो कलेक्शन है ना, ये पहनावा आउटफिट का है, और वो सहारनपुर से है। मैं उनका इंस्टाग्राम पेज यहाँ पर डाल रहा हूँ, अगर आपको बाय करना है या शादी में या किसी भी चीज के लिए आपको कोई प्रोफेशनल अच्छी आउटफिट चाहिए ना, तो मैं यहाँ पर उनका इंस्टाग्राम हैंडल डाल रहा हूँ, आप उनको जाओ कॉन्टेक्ट करो। अगर आप सहारनपुर से हैं तो उनके डायरेक्ट आउटलेट पे विजिट भी कर सकते हैं। बहुत टाइम बाद ऐसा कुछ पहना है, कुर्ते तो मैं बहुत कम पहनता हूँ, पहनता ही नहीं, अगर कोई ओकेशन होता है तभी पहनता हूँ। आज जो मैंने पहना है प्लीज़ बताना कमेंट्स में कैसा लग रहा है। और ऑलमोस्ट जो हमारी है ना पूजा की लोकेशन जो है, मम्मी पूरी पूजा की यहाँ पर हम पूजा करेंगे, वो पूरी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। यहाँ पर दिए वगैरह लग चुके हैं, उधर ये मम्मी ने पूरा सेटअप कर दिया है। अभी थोड़ी बहुत ही चीज़ें रहती है मुझे ऐसा लग रहा है, और मूर्तियाँ आएंगी और चीज़ें होंगी, पापा भी अभी आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मम्मी यूट्यूब पे देख देख के कर रही है, अंदर रेडी हो रही है, सोनाली उसकी हेल्प कर रही है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ भाई मूवी कैसी लगी। मूवी की अगर मैं बात करूँ, मूवी अच्छी थी, आप अपनी फैमिली के साथ पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। आज पूजा थी, आज दिवाली है, आज काफ़ी लोग नहीं देखते, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, ऑलमोस्ट 70% फुल था। और अभी जब हम निकले तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी बाहर टिकट लेने के लिए, मतलब अब वाला शो तो मेरे हिसाब से पूरा का पूरा हाउसफुल जाने वाला है। बाकी देखते हैं, प्लान करते हैं कि शायद हम कल भी जाएं, मैं पूरी फैमिली के साथ कल दोबारा जाऊं, पक्का कन्फर्म है, बट शायद हो सकता है कि हम सब देखने जाएं कल एक साथ, अगर टिकट्स मिल जाती हैं, क्योंकि कल टिकट्स की बहुत मारा मारी रहने वाली है भाई। हाँ मेरी एक ड्रेस थी वो मैं सही आई नहीं, देखिए अभी सही लगी नहीं, ऐसा कर रखा था, लगाने की दिक्कत हो जाना, मतलब जैसे पिक्चर ये सही है, अटकाने के लिए सही है, दिमाग से नहीं हो, ग्रीन ग्रीन हो गया। वैसे तुम वो पहनते, पहले मैं ब्लैक पहनने वाला था तो इसका भी ब्लैक था तो, लेकिन वो ब्लैक मुझे अच्छा, क्या नाम है, फिटिंग नहीं आई, है ना, ब्लैक ही था। और आपको उसने ब्लैक कुर्ता कहा था, हाँ। तो मैं ये वाला लेके आई थी, ब्लैक और वाइट, ब्लैक था, ब्लैक और वाइट था ना मैचिंग, फिर आपने ग्रीन बदला, ये आने के बाद आपके सही लगा तो मैं सही नहीं है, मतलब हमारा ना मैचिंग का ही था पूरा आउटफिट पहले भी, लेकिन इसका भी फिटिंग की दिक्कत हुई और मेरी भी, तो मैंने पहन लिया और फिर इसके पास ये रखा था तो इसने ये पहन लिया, लेकिन अच्छी लग रही है ड्रेस। मैंने सिर्फ एक बार पहन लिया, ऐसे ही रखी थी, मैंने कहा पहन लूँ इस बार इसको, जो है ब्रांचो क्या बात, आपकी ड्रेस खा रही है और मेरी कहाँ रह गई, प्रियांशु और मैं सही रह गए, लेकिन तुम्हारी तो मैच हो गई ना मेरे से, हो तो गई है वैसे, मैं अपने आप को दे दे भाई।
क्या दे दिया अपना लखीर बदर से डाल लेंगे ये ब्रांचो ने वैसे अपने लिए लाया था बट जो मेरे वाल था वो भाई छोटा हो गया अभी भाई गाइस पहले पूजा कर ले फिर बात करते हैं पहले पूजा कर ले भाई जय जय बच्चों की माँ की जय साजन भाई घर आए हैं अभी चलते हैं अंदर हैप्पी दिवाली भाई आंटी नमस्ते मौसी का घर देखो कितना अच्छा लग रहा है मौसी है कि नहीं है वो भाग के अंदर मेरी मौसी मौसी हैप्पी दिवाली नमस्ते 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 हैप्पी दिवाली कौन आ रहा है आपके पास ये उसका ये शायद मुझे लग रहा हाँ भाई हैप्पी दिवाली कहाँ हुआ भाई बिन सुबह से और काजल कहाँ है ओहो हैप्पी दिवाली सर हाँ सुन तो स्मार्ट लग रहे हो भैया अरे बेटा उठ गए थे क्या आप उठ गए थे आप नहीं कौन बदतमीज बच्चा है ये यार आपको हैप्पी दिवाली आप भी मिठाई खाओ मम्मी खाने लाओ लाओ खिलाओ हैप्पी दिवाली हमारी तरफ से रोहित की तरफ से और उसकी मौसी की तरफ से ये उसकी मौसी है ये रोहित की मम्मी है ये मौसी है ना खाने की मम्मी का मम्मी की टू कॉपी मौसी कहाँ यहाँ पर देख लो रील बन रही चलो आप फुलझड़ी चलाओगे भाई यारोही को देखो आप देखना भाई कितनी प्यारी लग रही है चश्मा लगा के प्यारी की है प्यारी की सीधा कर दे लाइट भी आएगी अभी बड़ा बड़ा छुटा ले भाई बोर्ड दे बम और भाई आप इसमें आशीर्वाद लेने ले सकते हैं ये हो लक्ष्मी माता दी ये ऐसा है सिर्फ 50,000 की लाइस बार ना 50,000 के पटाके आ गए यारवी के लिए स्पेशल थोड़ा पोल्यूशन हम तो क्या वो हमने थोड़ा देखा है कि पोल्यूशन बहुत है तो हमने कभी कर यारवी ने देखो कितना बड़ा बोला यारवी ने थोड़ा लाया ये छोटा ही ये मां नहीं 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 बस यार ऐसे देख रहा था ये छोटा थोड़ा ही चलो यारवी चलो लाओ छुड़ा लो यो 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 चलो हां पिछली दिवाली पे तो मुंबई में थे मेरे पास वाइट कुर्ता था उस टाइम भी वाओ रोहित ये आवाज वाली है ना इसलिए यार भाई बेटा इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर देखो 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 यहां आओ मामा के सारे आओ देखो देखो मामा अरे भाई ओ भाई ये बहुत खिला रहे हैं क्या हो ये टूट गया अच्छा हो गया रोहित का बेचते नहीं हमने वहां यार भाई यार मैं कह नहीं रही थी आ जाओ आ जाओ ये कलर वाली ये
हमें कैंडल ला कहां है तीन कैंडल लेगा तीन है ना भाई चलाओ इस पे बनाएंगे वीडियो ये मजा आता है इसमें हां रुमिला आओ युषा रुमिला कहां जा रही है यार इसे चलवाते हैं यार इसे करवाते हैं स्काई शॉट वाला डैडी 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 किथे क्या कर देखते कह रहे देखो देखो कह रहे देखो हैंड दे तो भाई राजन यार ने पहली बार ड्राइंग बनाई है और मैं आपको दिखाता हूँ कितनी प्यारी ड्राइंग है कितनी अमेजिंग मतलब बहुत डिफरेंट सबसे अलग बनाई है इसने और लेकिन आप ये देखो आज इसने पहली बार कलर साथ मिले और इन्हें ड्राइंग बना दी और आपको पता है यार ने अपना लेफ्ट हैंड यूज़ करती है मैंने कई बार देखा है इसको खाते हुए भी और लिखते हुए भी मतलब कुछ भी जैसे अगर लिखती है ना तो अपना 90% ये रहता है कि अपना लेफ्ट हैंड यूज़ करती है अभी कंप्लीट हो गई आपकी दिखा दूँ सबको यारोही दिखा दूँ सबको आपकी ड्राइंग जो आपने बनाई है तो गाइस ये है देखो ड्राइंग कितनी प्यारी ड्राइंग बनाई है इन्होंने अभी कंप्लीट नहीं हुई है अभी कुछ कुछ बना रही हैं अभी ये आधी अधूरी है आपको इसलिए थोड़ी सी अलग लग रही होगी लेकिन जब ये पूरी बन जाएगी ना तब आप देखना और सबसे अच्छी बात क्या है इसमें कि आप ये देखो सारे कलर जितने भी कलर्स यहाँ पर हैं सबका यूज़ किया है यार इन्हें यार ये अब इतनी बड़ी हो गई है अब इनको सब कलर्स का पता है कौन सा कहाँ पर यूज़ करना है और आप यहाँ जितने कलर्स हैं आप कोई ये नहीं बता सकते अब देखो कुछ अलग बनाने वाली है दो कलर्स एक साथ यूज़ करने वाली हैं देखो और इसके यार में टैलेंट है दोनों हाथ से ही कर लेती हैं ये पेंटिंग तो गाइस कमेंट्स में ज़रूर बताना यार की ड्राइंग कैसी लग रही है वाओ अभी बनाने दो यार इसको भी तो गाइस ये देखो यार की पेंटिंग कम्प्लीट हो गया और अब ये अपने सारे जो कलर्स हैं ये रे बेटा ये भी लगा दो ये रे ये सारे कलर्स अभी पैक कर रही है अभी बेटा वो सीख रही है अभी तो सिर्फ चादर है अभी वो देखो सारे कलर्स लगा रही है फिलहाल अभी उसको डिस्टर्ब मत करो आप देखना कितनी समझदार बच्ची है वाओ और जब ये कर लेगी ना पूरा कंप्लीट तो फिर देखना अभी वाओ भी करती है ये बिल्कुल सही जगह जगह लगा रहे लगाओ ना इसे करने दो एक कलर कम है एक कलर ये रहा लो बेटा ये अब इसमें डाल दो ये। इसमें डाल दो